यू टीचर डिजाइनपुर में माई नेम इज शिवानी मिश्रा। आज हम बताएंगे बैकग्राउंड डिजाइन जो बहुत लेटेस्ट और न्यू आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वाली डिजाइन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे कोई न्यू डिजाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और मेरी वीडियो क्लासेस जरूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको मेरी डिजाइन अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए हम आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। तो देख लीजिए मैंने ब्लाउज को कट कर लिया है। इसका लेंथ जो मैंने रखा है वो 14 इंच है। ये देखिए अब 3 इंच की चौड़ाई पर गले की मार्किंग कर लेते हैं और नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर लेंगे। अब दोनों को हम बराबर कर लेंगे। सबसे पहले गले का लेंथ मैं 10 इंच रख रही हूँ, यहाँ से मैंने मार्क कर लिया है। अब सभी मार्किंग मार्क जितने मैंने किए इनको हम बराबर लाइन से मार्क कर लिए हैं। देख लीजिए हम गले का जो है डिज़ाइन का मार्किंग कर रहे हैं, तो मैं गला मटके शेप में रखी हूँ। अब इसी तरीके से हम कट कर लेते हैं जैसे मैंने मार्क किया है। ये देख लीजिए मेरा गला कट चुका है। इसी तरीके से हम ब्लाउज का कपड़ा ले लेते हैं, सेम उसका भी गला कट कर देंगे। तो मैंने ब्लाउज के कपड़े का भी गला बहुत अच्छे तरीके से कट कर लिया है। अब इसको हम जॉइंट करेंगे। तो अच्छे तरीके से बिल्कुल बराबर करते हुए अस्तर और कपड़े को गले को जॉइंट कर लेते हैं। देखिए मेरा गला जॉइंट हो चुका है। अब मैं कट्स लगा रही हूँ। हम गले को जो है कपड़े को उलट कर सीधा कर देंगे। तो मैंने सीधा कर लिया है। अब इसकी जो है एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर की साइड से, इससे हमारा गला जो है परफेक्ट हो जाए। देख लीजिए मैंने गले को स्टिच कर लिया है। अब इसकी हम ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। तो अस्तर और कपड़े को बराबर करते हुए पूरी स्टिचिंग इसकी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से पूरा इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसमें हम डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए लेस लिए हैं। अब बीच से बिल्कुल मार्क कर लेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। अब यहाँ से हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, इसे आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ, सेम ऐसे ही आप भी बना लीजिएगा। अब इसको भी जैसे मैंने पहला वाला स्टिच किया सेम उसी तरीके से ये भी मैं स्टिच करूँगी। ये डिज़ाइन आप चाहे जब बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से ये डिज़ाइन बन जाएगी और टाइम भी नहीं ज़्यादा लगेगा आपका। देख लीजिए मैं कैसे लगाई हूँ लेस को, ये मेरा लास्ट है। इसको भी अच्छे तरीके से लगा लेंगे। अब हम कट कर लेते हैं दोनों साइड से, मैंने निकाल लिया है। अब हम फिर से लेस को ले लेंगे और इसके गले पर अच्छे तरीके से पूरा लेस लगा देंगे। एक साइड से मैंने इसे लेस को स्टिच कर लिया है। अब दूसरे साइड से भी हम इसको अच्छे तरीके से स्टिच कर देते हैं। ये देखिए मैंने दोनों साइड से लगा लिया लेस को। अब हम इसके जो है गले के दूसरे साइड से लेस को लगा लेते हैं, डिज़ाइन जो मैंने बनाया है। तो देखिए यहाँ से भी लेस हम अच्छे तरीके से लगा लेंगे। दूसरी साइड भी स्टिच कर देंगे तो ये लेस जो लग जाएगा अच्छे तरीके से पूरा गले पर। ये देख लीजिए मैंने लेस बिल्कुल अच्छे तरीके से डेकोरेट करते हुए लगा लिया। मेरी डिज़ाइन देख लीजिए ये अच्छी लग रही कितनी। अब हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो पहले देखिए मैं डोरी लगा लेती हूँ गले पर। मैंने
मैंने डोरी देखिए लगा लिया है। अब इसे बांध कर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए मैंने डोरी जो है लटकन लगा लिया। आपने चॉइस के हिसाब से लटकन लगा सकते हैं। अब नीचे के साइड जो मैंने डिज़ाइन बनाया है लेस की, उस पर हम डिज़ाइनर बटन लगा देंगे। तो देखिए मैं जिस तरीके से लगा रही हूँ ऐसे ही आप भी लगा लीजिएगा। तो मैंने बटन लगा दिया, मेरी डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये वाली डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम में design2222 को फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके मैं आईडी पे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।